सगळ्यांना योगा दिवसाच्या शुभेच्छा। आंतरराष्ट्रीय योगा दिनाच्या पुन्हा एकदा मनापासून शुभेच्छा। सकाळी एवढ्या मोठ्या संख्येने आपण आज एकत्र योगा करायला आलेले आहात। खास करून मी केंद्रीय आमचे मित्र केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी, व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर चलोटाजी वगैरे सगळे आहेत, पतंजलीचे सर्व पदाधिकारी आणि उपस्थित सर्व बांधव भगिनी आणि पत्रकार मित्रांनो, पूरे विश्वभर में आज 21 जून ये अंतर्राष्ट्रीय योगा दिन मनाया जाता है और उसका 90वां साल आज हम लोग यहाँ पर मना रहे हैं। मुझे इस बात की और हमें सभी को खुशी। अमृत नोनी पॉवर प्लस या मध्ये असलेल्या नोनी फळामुळे ते फक्त आपली इम्युनिटी वाढवत नाही तर दिवसभर आपल्याला ताजतवानं ठेवतो। माझ्या उत्तम आरोग्याची नस अमृत नोनी पॉवर प्लस। बड़ी खुशी है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस 90वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर, अभी पीयूष जी ने कहा है कि वहां वो संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में भी पहली बार योग सत्र का नेतृत्व करेंगे। ये हमारे देश के लिए, पूरी हमारे देशवासियों के लिए गौरव की बात है। 9 वर्षापूर्वी आदरणीय प्रधानमंत्री जींनी योग दिवस सुरू केला, संयुक्त राष्ट्र संघाने त्याचा स्वीकार केला आणि देश हा आपला देणारा आहे आणि म्हणून आरोग्याची गुरुकिल्ली देखील आपल्या देशाने पूर्ण जगभराला दिली हे देखील या ठिकाणी अतिशय आपल्यासाठी महत्त्वाचं आहे। आणि मी आपल्याला एवढं सांगेन कि आजच्या धकाधकीच्या आयुष्यामध्ये, स्ट्रेसफुल लाईफमध्ये योग ही काळाची गरज आहे, समाजाची गरज आहे। आज येताना अभी यहां से मैं मरीन ड्राइव से आ रहा था, सभी लोग योग कर रहे वहां पर। अभी सब जगह पे ये एक चळवळ झालेली आहे योग म्हणजे। आणि म्हणून मगाशी पीयूष जी ने अपना अनुभव सांगितला, मोदी जी कसे प्रत्येक आपल्या माणसाचं काळजी घेतात, जसं आपलं G20 ब्रीद वाक्य वसुधैव कुटुंबकम, सर्व पृथ्वी, सर्व परिवार, सर्व जग आपलं परिवार आहे। म्हणून आदरणीय मोदी साहेब देखील पूर्ण देशवासियांना आपला परिवार मानतात आणि म्हणूनच आज योग दिनामध्ये सगळेच आपण सामील झालो। पांडुरंग कदम मुझे बता रहे थे, बोले इनको पोपटराव कदम, उनको थ्रोट कैंसर था, योग के माध्यम से थ्रोट कैंसर गायब हो गया। ऐसे कई असाध्य रोग बाबा रामदेव जी के चले ना, वो बराबर है। हाँ, मुंबई के पतंजलि के अध्यक्ष है, बहुत बड़ी बात है। योग में कितनी ताकत है, क्षमता है, सब लोग कॉशियस हुए हैं अपनी हेल्थ को लेके। सुबह मॉर्निंग वॉक, शाम को घूमते हैं और सभी लोग अभी ऐसे स्ट्रेसफुल लाइफ में ये योग की आवश्यकता है, इसलिए मैं बहुत ही सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। पीयूष जी, आज हमारे सरकार ने आज के दिन पूरे 35 लाख लोग एक ही बार योगा करने की हम नियोजन हम लोगों ने किया है, ये भी बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं फिर एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनकी ये देन है कि 9 साल पहले उन्होंने इसकी शुरुआत की, आज पूरी दुनिया ने इसका स्वीकार किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। योग करा, स्वस्थ रहा, करो योग, रहो निरोग। धन्यवाद। छत्रपतींचा विचार म्हणजे